today we are going to learn poem A Photograph, and this poem has been written by Shirley Thompson. जो क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक है उसमें से मैंने ये पोयम ली है एंड दिस इज द फर्स्ट पोयम. एंड इसमें ये बताया गया है कि जो मैन है वो ट्रांजिएंट नेचर का है, आदमी जो है वो क्षणभंगुर है, मतलब आदमी ने मरना है. मैन इज इमोर्टल एंड जो नेचर है वो इतना स्लो, बहुत मतलब धीरे धीरे वो डिके होती है, धीरे धीरे बहुत टाइम लग जाता है उसको. बट जो मैन की लाइफ है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, उसकी डेथ निश्चित है, सर्टेन है. यहाँ जो पोएटिस हैं वो अपनी मदर को याद करती हैं कि उनकी मदर ने कैसे कोई फोटोग्राफ है तो कब, बहुत टाइम पहले जब वो पैदा भी नहीं हुई थी तो उनकी जो मदर थी वो बीच पर गई और उनके अंकल ने उनकी फोटो खींची. उनकी मदर जो पोएटिस है उनकी मदर के साथ उनकी कजिन्स भी थी दो. तो ये जो पोयम है इसमें पोएटिस अपनी मेमोरीज बताती हैं अपनी माँ के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज पोयम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स and she the big girl some 12 years or so. All the three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Poetess कहती है कि cardboard. Cardboard क्या होता है? अब तो हमारे पास एंड्रॉयड फोन है तो हमारे फोन में लैपटॉप में सारी फोटोज हम रखते हैं. बट पहले क्या होता था, फोटो खींची, जब कैमरे की रील भर गई, कंप्लीट हो गई, तो हम उसकी हार्ड कॉपी निकलवाते थे और फिर उनको घर में फ्रेम करके रखते थे. तो यहाँ कार्डबोर्ड का मतलब है कि जो फ्रेम है जिसमें फोटो लगी हुई है, पीछे गत्ता लगा है, गत्ते के आगे फोटो लगी है, वो मुझे दिखाती है कि क्या क्या हुआ, हाउ इट वॉज, ये कैसा था, जब दो लड़कियां जो कजिन्स हैं, कजिन क्या होती है, चचेरा, कजिन क्या होता है, चचेरा, दो चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई. पैडलिंग क्या होता है, जब आप समुद्र में पैर मारते हो, जैसे हम पैर मार के लाइक दैट फोटो खिंचवाते हैं, तो वो पैडलिंग कर रही थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और दोनों ने, टू कजिन्स है तो दोनों ने मेरी माँ के हाथ को पकड़ा था, एक ने इस तरफ से पकड़ा है, एक ने इस तरफ से पकड़ा है, और बीच में कौन खड़ी है, माय मदर. किसकी माय मदर, मीन्स पोएटिस मदर, पोएटिस की माँ. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो, और ये जो बड़ी है शी कौन है, शी इज पोएटिस मदर, शी इज पोएटिस मदर. जो बड़ी लड़की है वो कुछ 12 साल, सम 12 इयर्स और सो, 12 साल की कुछ या उससे पहले की बात है. ऑल द थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और ये सब क्या कर रही है, स्माइल करने की कोशिश कर रही है. स्टूड स्टिल है, जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो स्टिल खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं, विदाउट एनी मूवमेंट. तो ऐसे वो खड़ी थी और वो स्माइल कर रही थी थ्रू देयर हेयर एंड द अंकल विद द कैमरा, और वो स्माइल करके किसको देख रही थी, अंकल को जो अपने हाथ में कैमरा पकड़े हुए थे. अ स्वीट फेस, उनका फेस कैसा था, बहुत ही स्वीट था, बहुत ही अच्छा था, अट्रैक्टिव था. एंड माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये कब की बात है, ये तब की बात है जब मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है ये. एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, चेंज लेस मीन्स कम, जो समुद्र है वो तो बहुत कम चेंज हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही आज है. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो धो रहा था मेरी मदर, उनकी दो कजिन और मेरे अंकल. फोटो कौन खिंचवा रही है, मदर, और मदर के साथ दो कजिन, तीन लड़कियां हैं टोटल. फोटो कौन खींच रहा है, अंकल. और समुद्र जो था, सी जो है, वो उनके पैरों को धो रहा था. ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट होता है क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, जो नष्ट होने वाला है. और फीट, उनके पैर, पैर धो रहा था. सम 20-30 इयर्स लेटर
She would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both worry with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. Poetess कहती हैं कि कुछ 20 या 30 साल पहले की बात है. She would laugh at the snapshot. मेरी जो मदर थी वो स्नैपशॉट को देख के, उस फोटो को देख के, स्नैपशॉट मींस फोटो, उसको देखकर वो हंसती थी. एंड क्या बोला, सी बेटी एंड डोली, जो उनकी दो कजिन्स हैं, उनका क्या नाम है, एक का नाम है बेटी, एक का नाम है डोली. टू कजिन्स हैं, एक का नाम बेटी एंड द अदर वन इज डोली एंड थर्ड वन इज पोएटिस मदर, पोएटिस की माँ. वो कहेंगी, वो कहती, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच, और देखो हम बीच के लिए कैसा तैयार हुए थे, कैसे हमने कपड़े पहने थे, तैयार होकर गए थे. द सी हॉलीडे, जो सी हॉलीडे, लोग समुद्र के बीचेस पर जाते हैं ताकि वो अपनी हॉलीडे सेलिब्रेट कर सके. तो कहती है पोएटिस कि सी हॉलीडे वाज हर पास्ट. जब वो पोएटिस की मदर फोटो को देखती थी तो वो कहती थी कि देखो हम 20-30 साल पहले गए थे, जब ऑथर की जो मदर थी वो 12 ईयर्स की थी. एंड अब वो कहती है कि जो सी हॉलीडे है, मेरी माँ जब फोटो दिखाकर हमें बताती थी कि देखो ये डोली है, ये बैटी है, ये अंकल थे हमारे जो कैमरा पकड़ के उन्होंने फोटो खींची थी, तो वो मेरी मदर का पास्ट था. और मेरा क्या पास्ट है, माइन इज हर लाफ्टर, उनकी जो हंसी थी जब वो ये सब बताती थी तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती थी वो मेरा पास्ट है, वो मेरा अतीत है. क्यों अतीत है, क्योंकि पोएटिस की मदर अब नहीं है, शी इज नो मोर, शी इज डेड, वो मर चुकी है. बोथ वरी विद द लेबर इज ऑफ लॉस, दोनों ही चिंता कर रही है, उनको लॉस हुआ, क्या नुकसान, लॉस मीन्स नुकसान, क्या नुकसान कि पोएटिस की मदर नहीं रही. एंड जो पोएटिस की मदर थी वो अपने पास्ट को याद कर रही थी कि कैसे वो बीच पर सी होलीडे सेलिब्रेट करने गए थे, वो कैसे समुद्र पर जाकर सी होलीडे सेलिब्रेट करके आई थी. एंड नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स दैट गर्ल लिव्ड. अब कहते हैं, पोएटिस कहती है कि अब वो मर चुकी है, इतने साल हो गए उनको मरे हुए, जितना साल वो लड़की जी, मतलब जिंदा थी, अब उनको बहुत साल हो गए हैं मरे हुए. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति में कुछ भी नहीं है कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि मदर रही नहीं है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. और अब जो फोटो है वो चुप है क्योंकि उस फोटो को डिस्क्राइब करने वाला कोई भी नहीं बचा है. तो पोएटिस कहती है कि जो इसकी चुप्पी है वो सबको चुप कर देती है, मतलब फोटो को सब देखते हैं, पोएटिस देखती है, बट शी कीप्स मम, वो चुप रह जाती है. और जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं कि व्हाट डज कार्डबोर्ड मीन हियर, कार्डबोर्ड का क्या मतलब है. तो कार्डबोर्ड का मतलब क्या है कि जो फोटो फ्रेम, जो वुडन फ्रेम, जो लकड़ी के बोर्ड में, वुडन बोर्ड में जो एक फोटो लगा हुआ है फ्रेम में, वो कार्डबोर्ड है. कितने थे टोटल, तो ये बैटी है, डोली है एंड पोएटिस मदर है. किसने फोटो खींचा, अंकल ने फोटो खींचा था. एंड इसमें अगर आप ब्रीफ देखें तो यही होगा कि जो मैन की लाइफ है दैट इज ट्रांजिएंट, वो क्या है, वो ट्रांजिएंट है, वो क्षणभंगुर है. तो जो मदर है वो एक्सपायर हो चुकी है, वो मर चुकी है, उनकी लाइफ ट्रांजिएंट है. और जो नेचर है वो लॉन्ग लिविंग है, वो लंबे समय तक रहती है, वो लंबे समय तक प्रिवेल करती है. नेचर तो अटर्नल है, हमेशा रहेगी प्रकृति. तो ये चीज इसमें बताई है. साथ में पोएटिस की जो मेमोरीज है रिगार्डिंग हर मदर, वो इस पोयम में डिस्क्राइब की गई है. तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. Have a nice time. Thank you.